पूरी की पूरी करोला को उठा लिया भाई जान। ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा है ना, ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा। एक मिनट भाई, चाबी नहीं निकालो। ट्रैफिक वाले ने हमारी गाड़ी खड़ी करवाई। यार तुम लोग को मैंने इतना समझाया है, वक्त की पाबंदी किया करो, शूट पे वक्त पे आया करो। एक घंटा लेट आए हो तुम लोग यार, तुम लोग को वक्त की कदर और कीमत का एहसास नहीं है यार। यार मिश्कात भाई हमारे पास घड़ी नहीं है। मिश्कात भाई एक शेर याद आ रहा है। क्या शेर याद आ रहा है? मिश्कात भाई पकड़ लो मेरी जादू की छड़ी, पकड़ लो मेरी जादू की छड़ी, दिला दो हमें घड़ी। भाई आज सीन ये है कि आज आपका भाई सारे लड़कों को लेकर आ चुका है सदर में, जोड़िया बाजार में, और यहाँ सारे लड़कों को आपका भाई घड़ी दिलाने वाला है, क्योंकि इन लड़कों को वक्त की कदर और कीमत का एहसास नहीं होता। अब जब घड़ी इनके हाथ में आएगी ना, तो टाइम देख देख के वक्त की कीमत का एहसास हो जाएगा। अब इसको उल्टी क्यों हो रही है? क्या हो गया? उल्टी क्यों हो रही है? ओए 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 ओए। अब एक तो गाड़ी में बैठ के ना इसको उल्टियां स्टार्ट हो जाती है फौरन से। यार इसका मसला है पता नहीं यार, वो मसला नहीं है, मुझे बचपन से है यार, ऐसा लगता है कि जो ना गाड़ी में बैठ के अचार खाने का दिल चाहता है मेरा। यार मैं इन सब लड़कों से भी नाराज हूँ और तुम लोगों से भी नाराज हूँ, क्योंकि तुम लोग कंटेंट देखते हो, व्लॉग देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपके भाई ने अपना फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है मिश्कात खान के नाम से, वो भी लाइक नहीं करते, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं करते। यार आपका भाई तुम लोग के लिए इतनी मेहनत करते, तुम लोग कुछ नहीं करते यार। नहीं बना रहा मैं व्लॉग। उसामा तू ही बना आज व्लॉग। करो करो यार, देखो भाई मिश्कात भाई बहुत मेहनत करते हैं, सही है। फेसबुक पे भी सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे भी लाइक कर दो, और ये स्नैपचैट पर भी है, बहुत अच्छे फिल्टर लगा दो, उस पे भी कर दो। आज भाई हम लोग व्लॉगिंग करेंगे, व्लॉग ये यार टांगे उठाए, कौन सी व्लॉग है? बिल्कुल नई चीज लेकर आपका भाई ट्रेडिशनल। यार एक शॉट दिया वो भी टांगे उठा के, पता नहीं कौन सी व्लॉगिंग कर रहा है यार। हाथों से तो सब करता है, मैं चाहता हूँ मैं टांगों से व्लॉगिंग करूँ। यार आपका भाई ना काफी अरसे बाद सदर में आया ना, तो यहाँ पर अलग ही तारीखी जगह, मतलब ये बिल्डिंग जो है ना कायदे आजम ने खुद खड़े होकर बनवाई थी, ऐसे ही है ना भाई? ऐसे ही है। और गांधी जो थे ना, गांधी और कायदे आजम बहुत अच्छे दोस्त थे, वो इस रोड पे क्रिकेट खेला करते थे। अबे ये छन्नो को कलर करके किसी ने खड़ा किया है यहाँ पर। यार हमारी छन्नो यहाँ पर खड़ी हुई है। छन्नो नहीं है, उसकी जुड़वा बहन धन्नो है। धन्नो है यार, लेकिन कितनी प्यारी लग रही है ब्लू यार। भाई माशाल्लाह फैन आ गए, क्या बात है भाई। चलो ठीक हो। चलो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बोल्टन मार्केट पे, और यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी किस्म की घड़ियाँ होती हैं, और सारे लड़कों को घड़ियाँ दिलाएंगे। उसामा भाई आप कौन से कलर के लोगे? यार मुझे पसंद है बेबी पिंक। पिंक कलर चरमा रहा है, प्यारी चरमा रही है। बिलाल भाई आप कौन से कलर के लोगे? मैं ब्लैक कलर की लूंगा। ब्लैक कलर की? इतने गुस्से में क्यों बोल लो? बच्चा देख के चौंक गया। अबे यार एक तो सदर की मार्केट ना इतनी पतली पतली होती है यहाँ पर गलियाँ। अबे उसामा भाई कहाँ खड़ी करें? यार मिश्कात भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि जो है ना गाड़ी को घर पे लगा कर आ जाते हैं। बिल्डिंग की छत पे चढ़ा दूँ? कैसे? उड़ा दूंगा गाड़ी को, कम फ्लाई विथ मी लिखूंगा, चीट उड़ जाएगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अबे यार बहुत बुरा फंस गए हम लोग तो यार, कसम खुदा की। आगे फंस जाएगी गाड़ी। आप निकालोगे? आगे तो फंस जाएगा। आप आ जाओ, मैं आगे जा रहा हूँ ना, आप आगे आ जाओ। आप लेके जाओगे फिर? भाई पुलिस वाले भाई मिले, देखते हैं लेके जाते नहीं जाते। चाचा आप हमें छोड़ कर आ गए यहाँ पे यार। गाड़ी यार मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम चलाओगे ना? मैं चलाऊंगा। आपने बोला मैं निकलवाऊंगा, फिर आप रोड खाली ना निकाल। चाचा घुमा दे आगे, फंसा दे यार। ये तो बीच रास्ते में लाके छोड़ दिया चाचा। ऊपर से घुमा और यहाँ से निकल जाओ यार। चाचा करो ना यार, बेटा राइस थी ना। चलो यार क्या करें। चाचा आप गाड़ी यहाँ खड़ी करो अपनी, सांप की गाड़ी आ रही है। कौन सा सांप? मिश्कात खान द किंग ऑफ द रिंग ऑफ द यूट्यूब। अबे साले चाचा थोड़ा आगे ले लो। चाचा क्या कर रहे हो? क्या इसको? क्या बोल रहे? तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बोल्टन मार्केट में, और यहाँ की तो वाइब भी अलग है यार, ऐसा लगता है बंदा किसी पुराने जमाने में आ गया। अभी हम लोग जा रहे हैं अहमद वॉचेस, वहाँ से इंशाल्लाह हम लोग मजे मजे की घड़ियाँ खरीदेंगे। इतनी सारी घड़ियाँ लाइन से ना, घड़ियों की दुकान है सारी की सारी। अबे अपनी बेगम को ये कड़ा गिफ्ट करूंगा शादी में, सही है? शादी तो कर लो पहले। अबे हाँ ये बात भी है यार, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई हमारा बहुत ही प्यारा फैन मिल गया, बोल रहा है मेरी घड़ियों की दुकान है, मैं आपको लेके जा रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद वॉचेस के नाम से है इसकी दुकान है। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ से घड़ियाँ वड़ियाँ खरीदते हैं टाइट वाली। सामा भाई लेकिन इसके बाद वक्त की पाबंदी करनी है आपको। यार वक्त की पाबंदी करनी है, मैं बोल रहा हूँ माशाल्लाह इन अंकल की तरह वक्त की पाबंदी करनी है आपको। यार कितना कंजेस्टेड है यार। अरे भाई साहब यहाँ तो चलना ही साफ होता है। अच्छा ऐसा लग रहा है हम लोग घड़ियों की दुनिया में आ गए, चारों तरफ घड़ियों की दुकान है। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ की बहुत अच्छी दुकान है अहमद वॉचेस पे, और वहां से इंशाल्लाह हम सारे लड़कों के लिए घड़ियां खरीदेंगे फुल टाइट वाली। यहाँ तो वक्त की पाबंदी होती होगी अंकल, है ना? क्योंकि घड़ियां इतनी सारी हैं।
तो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अहमद वॉचेस पे, और यहां पर तो घड़ियों की पूरी दुनिया है। ऐसी ऐसी वैरायटीज नजर आ रही हैं। अरे भाई साहब, उसामा भाई ऐसी घड़ी लो कि वक्त की पाबंदी करनी है तुम्हें, आइंदा शूट पे लेट आए ना फिर खैर नहीं होगी। बिलाल भाई आप भी ले लो, तुम्हें ब्लैक कलर की चाहिए यार, तुम्हें हर चीज काली क्यों चाहिए होती है? बस यार मुझे पसंद है ब्लैक शर्ट, काला अल्लाह का प्यारा। हाँ उसामा भाई आपको पिंक कलर की, पिंक मिल गई। ये कैसी लग रही है तुम्हारे ऊपर? मैं चाह रहा हूँ कि मैं दो घड़ियां पहनूं। अच्छा दो घड़ियां पहनूं, डबल पाबंदी होगी, एक खराब तो एक में वक्त चल रहा है। फिर तो एक घंटा पहले आ जाओगे शूट पे। भाई अब जो है ना तुम अपनी दुकान की जो अच्छी अच्छी वैरायटीज है ना, क्योंकि आपको पता है मिशकात खान आपकी दुकान पे आए, और मिशकात खान कोई हल्की चीज तो लेता ही नहीं है। जी, जी। तो जो महंगी वाली घड़ियां ना, जो अच्छी वैरायटीज वाली, वो निकाल के दिखाओ। अरे भाई साहब ये चेक करो, इतनी सारी घड़ियां, ये वैरायटीज निकल रही है लाइन से। हाँ भाई लड़को फटाफट चूज करो, क्योंकि वक्त की पाबंदी करनी है तुम लोगों को। बिल्कुल चलो शाबाश फटाफट। और यार ये वाली कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह यार। वैसे यार अहमद भाई एक बात बताओ, आपकी दुकान पे घड़ियां सस्ती हैं महंगी है, कैसी है? हमारी दुकान में हर रेंज की घड़ी मिलेगी, हर रेंज की। मेरे पास शुरू 150 रुपए से स्टार्ट है, और कहाँ तक है? 40K तक जाती है, 40,000 रुपए तक जाती है। मुझे एक काम करो, 150 वाली भी दिखाओ और 40,000 वाली भी दिखाओ। असल में देखो 40,000 वाली मैं अपने लिए लूंगा, 150 वाली उसामा भाई के लिए लूंगा। 40,000 वाले को तुम बताओ 150, और 150 वाले को तुम बताओ 40,000, ये आपस की बात है, समझ रहे हो? यार असल में शक्ल के हिसाब से करना पड़ता है ना। बहुत तेज हो रहा है। माशाल्लाह से वैरायटी सच चुकी है घड़ियों की, ये चेक करें यार, ये वाली बहुत यूनिक है। इसके अंदर जो ग्रीन कलर का है ना, ये काफी डिफरेंट है। आपको कौन सी घड़ी पसंद है आपकी अपनी दुकान की सबसे ज्यादा? मुझे ये पसंद है, ये वाली पसंद है। ओ भाई साहब, यार आप ये बताओ, लड़के तो लेंगे सारे सही अपनी अपनी पसंद से लेंगे, लेकिन मैं लूंगा आपकी पसंद से। अच्छा सही, आप जो पसंद मतलब करके देंगे ना वो मैं लूंगा। अच्छा फिर पट्टे में लोगे आप, चेन में लोगे? मुझे यार आप जिसमें दे दें, पट्टा दे दें, चेन दे दें। ओरिजिनल घड़ी है, ओरिजिनल है, तो आपके पास ओरिजिनल भी होती है, कॉपी भी होती है, सारी होती है, ज्यादातर ओरिजिनल होती है। 150 वाली है, ये 150 वाली हो गई, सही है, ठीक है। 40,000 वाली, ओए ओए, मतलब ये तीन जो है 1,20,000 रुपए। जी जी बिल्कुल, ये 1,20,000 मेरे हाथ में आ गए, ये चेक कर रहे हो, जेब में डाले 1,20,000 रुपए। बेटा ये महंगी घड़ियां होती हैं, तुमने तो आज तक 150 वाली पहनी है ना। रुको जरा सबर करो, असल में मुझे घड़ी पसंद ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी वक्त की पाबंदी करी नहीं। ये कितने कितने वाली हैं? ये आपके व्यूअर्स के लिए 10,000। ये वैसे कितने की होती हैं? वैसे तो 35,000 रुपए की मिलती है, 35,000 रुपए की रेगुलर मिलती है, हमारे व्यूअर्स के लिए 10,000 रुपए। यार माशाल्लाह से भाई ने बहुत ज्यादा स्पेशल डिस्काउंट भी हमें दिया है, और जो है ना काफी अच्छी वॉचेस हमने सेलेक्ट कर ली है। इन भाई का चैनल है अहमद वॉचेस के नाम से, वो भी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। अगर आपको घड़ियों में इंटरेस्ट है तो इन भाई का चैनल खोलो, घड़ियों का कंटेंट बनाते हो और भी बनाते हो, घड़ियों का, सिर्फ और सिर्फ घड़ियों का। ये भाई वक्त की पाबंदी करने वाला, ये 4 बजे उठ जाता है, घर वाले भी परेशान होते, दिन जल्दी क्यों उठ गया भाई। भाई यहाँ पर तो और ज्यादा घड़ियां भी है, वो चेक करो, बंदा बैठा हुआ चप्पड़ में ऊपर घड़ियां लेकर। हमें शर्मा के हुए, तुम्हारा रिश्ता थोड़ी हो रहा है, बात तो सही है। यार आप लोग सोच रहे होंगे ये शॉप है कहाँ पर, एड्रेस बताओ फटाफट। एड्रेस बता देते, शॉप नंबर 110 यूसुफ प्लाजा के नीचे बॉर्डर मार्केट में मेरी शॉप है, कराची में। किसी से भी पूछ रहे हैं कि घड़ियों की मार्केट किधर है, वो आपको बता देगा, अहमद वॉचेस नाम है शॉप का। भाई इसने तो पूरा रैप याद किया हुआ है यार। अबे यार इतना बैड सीन हो गया, यहाँ पर हमारी गाड़ी उठा ली है, गाड़ी उठा के यहाँ पे ले आए, और उठाने के चक्कर में ना गाड़ी का ये सब अंचर पंचर ढीला हो गया। ये देखो अच्छा खासा था शीशा, बिल्कुल सही था, और वो अपनी बात नहीं मान रहा, बोल रहा मैंने नहीं तोड़ा। अबे यार अंदर स्क्रैचेस भी पड़े हैं भाई, स्क्रैच भी मारे हैं गाड़ी के अंदर उठाने के चक्कर में। ये देखो बिल्कुल नई गाड़ी पे ऐसे स्क्रैच आ गया, और वो चाचा उठ के अंदर चले गए, और चलान के चलान कितने का? 120 रुपए का भाई, 1520 रुपए का चलान, 120 रुपए वाले के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है 500 रुपए का चलान, ये 1500 रुपए मांग रहे हैं हमसे, 1500 रुपए। हालांकि हमारे पास कागजात भी है, लाइसेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन 1520 रुपए का चलान मांग रहे हैं। चलान भर दिया? नहीं चलान नहीं भरा अभी। आपका भी चलान हुआ है? मेरा भी चलान। कितने का हुआ? 520 रुपए का चलान ये हुआ है भाई का। भाई सीन ये था, हमें जो है ना पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो ट्रैफिक पुलिस वाले का ही बंदा था, उसने बोला कि यार गाड़ी खड़ी करो यहाँ पर, कोई मसले की बात नहीं, हम लोग तसल्ली से अंदर गए घड़ी वड़ी लेने, और उसके बाद जो है ना हम जब आए तो गाड़ी उल्ट रही थी यार। भाई जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, हमें ना नौकरी मिल रही है, ना हमें छोकरी मिल रही है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है भाई, हम क्या करें यार। ये तो गलत बात है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले ने खुद खड़ी कराई, उसके बाद जो है गाड़ी उठा के ले गए। भाई जान ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा है ना, ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा, एक मिनट भाई, चाबी नहीं निकालो, हड्डे नहीं करो, हड्डे नहीं करो, बुला लो उसको, बुलाओ ट्रैफिक पुलिस वाले को। नहीं नहीं गलत बात है, ट्रैफिक पुलिस वाले को बुला लो यार, आप उस ट्रैफिक पुलिस वाले को बुलाओ, आप उस ट्रैफिक पुलिस वाले को बुलाओ। ड्राइवर को यार, मैं ट्रैफिक पुलिस वाले को बुलाता हूँ, उसकी जिम्मेदारी में खड़ी हुई है यार गाड़ी हमारी, उसने बोला ट्रैफिक पुलिस वाले ने बोला जिम्मेदारी, उसको मैं लेने जा रहा हूँ, उस बंदे को लेने जा रहा हूँ, उसने जिम्मेदारी में खड़ी कैसे की यार, ये तो गलत बात है।
भाई मजबूरन जो है ना हमें खुद चलान की पर्ची निकालनी पड़ी है। पहले ये लोग बोल रहे थे 1500 रुपए का होगा, हालांकि हमारे पास लाइसेंस भी है, हमारे पास कागजात भी है और ट्रैफिक वालों ने खुद खड़ी की है, ट्रैफिक वालों ने खुद गाड़ी खड़ी करवाई, उसके बाद ही मामला होते थे। अब जो है सीन ये है कि मजबूरन हमें चलान की पर्ची आगे भरनी है, जो 500 रुपए का चलान होता है, जो 500-520 रुपए का, तो हम लोग चलान भर के यहाँ से अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। ट्रैफिक वाले ने हमारी गाड़ी खड़ी करवाई कि आप जाओ, तसल्ली की बात है, टेंशन की बात नहीं है, आप हमारी गाड़ी आपकी हमारी ये रही गाड़ी, ये रही। उसके बाद जब हम आए ये वाली गाड़ी है, गाड़ी भी खुली हुई है यार, गाड़ी को बंद करो भाई। फाइनली पर्ची बन गई है, बहुत मुश्किलों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद पर्ची बन गई है, अब चलान भरना पड़ रहा है मजबूरन हमें, चलान वलान भरेंगे यहाँ से निकलेंगे भाई। हम तो खैर मुतमइन होकर चले गए थे कि यार कोई सीन इस तरह का है नहीं। आपकी वीडियो बनाने का एक फायदा हो गया भाई, 1500-20 रुपए का चलान 500 का हो गया भाई, 500 का ही चलान है भाई, ऑफिशियल 500 का ही है भाई। फाइनली 500 रुपए का चलान हुआ है। अबे यार फजूल का भरना पड़ रहा है चलान, कोई बात नहीं, सबका यार ज़कात फितरा इन्हीं लोगों को निकाल दो भाई। ये 500 रुपए का चलान है भाई, ये ले 500 रुपए का, पहले 1500 का था, वीडियो बनाई तो मेरे 500 का हो गया यार, आज फ्री फंड की खुआरी हो गई। चाचा 500 रुपए का चलान है और क्या। अबे ग्रिल में खड़ी हुई, जितनी पुरानी गाड़ियों में लेन में खड़ी हुई, किसी को हाथ नहीं लगाया, इनकी और दुकानदार की मिली भगत से उठी, दुकानदारों की गाड़ी तो कभी भी नहीं उठेगी, दुकानदारों की सारी हमारे अपने, कहीं और नहीं जाना है, हमारे जो नुकसान किसी को देता है ना वो हमारे अपने दुकानदारों ने किया। अब बेचारे चाचा इनका, अच्छा एक बताओ, लेकिन बात सुने, दुकानदारों की बाइक है ना वो रोड पे भी खड़ी होती, नहीं उठाते। पेपर मार्केट से मैं यहाँ तक पैदल आ रहा हूँ, पैदल आए इस उम्र में, बुढ़ापे में, बताओ आज के लिए भी देर हो रही है यार चाचा को। कितने का चलान हुआ दिखाओ भाई, 500-20 का आपका चलान हो गया, 500-20 का चलान हो गया भाई, 500-20 चलवाओ फटाफट, 1550 का बन रहा था लेकिन ये स्पेशल डिस्काउंट दिया है इन्होंने आपको सिर्फ। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह पर्ची वगैरह बन गई है, वो देखो भाई साहब गाड़ी उड़ गई, वो चेक करो, पूरी की पूरी करोला को उठा लिया, आपकी गाड़ी के ऊपर रख रहे हैं, ओए ओए, अबे इसके ऊपर ना आ जाए, अरे भाई साहब अबे मशीन कितनी स्ट्रांग होती है, पूरी गाड़ी उठा लेती है यार, सामान भर के आ जाओ चलान सही है। अल्लाह का शुक्र है भाई गाड़ी हमारी निकल चुकी है, अब हम लोग आ चुके हैं नमाज पढ़ने। ये सदर की कोई मस्जिद है, जामा मस्जिद मुहाजिर मक्की। यार ये तो वॉशरूम जाने के भी पैसे हैं, कितने कितने पैसे हैं भाई? छोटा फ्री है भाई, छोटा ये वाला है तो यहाँ छोटा नहीं कर सकते, हमें करने दे दो यार, बड़ा नहीं करना, बड़ा आई नहीं रहा कहाँ से करूँ, जबरदस्ती थोड़ी करूंगा, नहीं बड़ा आई नहीं रहा क्या करूँ यार, जाने देना यार, दो में डिस्काउंट दे दो भाई, दो में कोई डिस्काउंट दे दो, 15-15 रुपए देंगे दो बंदों के, 30 रुपए ले लेना टोटल। चलो आ जाओ भाई, ये बड़ा वाला वॉशरूम है, क्योंकि वो जो छोटे वाला होता है ना उसमें गेट नहीं होता यार, तो वहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ जो अंकल अगर पीछे से देख लें तो फिर क्या होगा, है ना। तो भाई उम्मीद है आज के व्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, अगर मजा आया तो क्या करना है मुन्ने, सब्सक्राइब लाजमी करना है, ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और क्या करना है, आप भी तो ओवर एक्टिंग कर रहे हो अभी, बड़े से बदतमीजी करता है। सॉरी। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तुझे नहीं बोलना था बीच में यार, क्या हो यार, बताते ना पहले।